इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th को कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि आप सबको अवॉइड करने हैं, अपने रूटीन को कैसे सेट करना है एंड एट द लास्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या। अब देखो, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं एज अ बड़ा भाई आप सभी को गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से क्लास 11th को स्टार्ट करना है और ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि आप सभी को अवॉइड करने हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, साउंड पारिक दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको क्लास 11th को कैसे स्टार्ट करना है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो की वजह से आपका क्लास 12th के लिए फाउंडेशन रेडी होने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो और समझ में आए। एंड यस गाइस, ये वीडियो हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, फिर जैसे आपने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है या फिर आर्ट्स लिया है। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और जैसे कि आप सभी का क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को एक कमेंट करना है कि आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया और अब आप कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करने वाले हो। तो इसी के साथ हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, दैट इज अंडरस्टैंड योर सिलेबस। अब देखो, आपका जो क्लास 11th का सिलेबस है वो क्लास 10th के सिलेबस से टोटली डिफरेंट होता है। फिर जैसे आप कौन से भी स्ट्रीम में जा रहे हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपका जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट होगा। उसी वजह से आपको पढ़ाई चालू करने से पहले अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हो या फिर कौन से सब्जेक्ट कम टाइम कंज्यूमिंग है और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, फिजिक्स हो गया। सो मेक श्योर आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझ रहे हो, अपने खुद के वीक पॉइंट्स को जान रहे हो कि आपको कहाँ पे मेन फोकस रखना है, क्योंकि तभी जाके आप एग्जाम्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट है क्लास 10 से। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने होप्स को लूज कर देते हैं कि भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कन्फ्यूजिंग है सब कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, आपको ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी होगी कि सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होने वाला है कुछ भी। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी क्लास 11 से, क्योंकि तभी जाके आप क्लास 12 के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाओगे। अगर आप क्लास 11 के अंदर कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्लास 12 टफ जाने वाला है, क्योंकि मुझे पता है क्लास 11 के अंदर मैंने खुद ने कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई की थी और अब क्लास 12 का मेरा 30-40% सिलेबस हो भी चुका है, वो भी इजीली। सो मेक श्योर आप क्लास 11 को एज अ फाउंडेशन देख रहे हो, ना कि टाइम पास में देख रहे हो कि एक साल मेरे को निकालना है। आपको ऐसे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब देखो, क्लास 11 के अंदर ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी की थी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप वो मिस्टेक्स को ना करो। और जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये है, प्रोक्रास्टिनेशन। अब देखो, प्रोक्रास्टिनेशन होता क्या है, उसके अंदर आप काम को टालते हो, मना नहीं करते हो। आप ऐसे नहीं बोलते कि मैं ये नहीं करूँगा, आपका मन आपसे बोलता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में देखते हैं। समझो, आपको कॉलेज के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर कोई होमवर्क मिला या फिर असाइनमेंट मिला तो आपका ब्रेन बोलेगा बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, और फिर वो बाद में करते करते एक साथ इतना ज़्यादा काम आ जाता है कि आपका ब्रेन ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। ये मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग के अंदर। सो मेक श्योर आपको जो भी असाइनमेंट मिल रहा है, जो भी होमवर्क मिल रहा है, क्लास वर्क मिल रहा है, उसको आप तुरंत सेम डे पे कंप्लीट कर लो। उसके वजह से ना ही आपको बाद में स्ट्रेस बिल्डअप होगा, आप अपने स्टडीज पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक की, जो कि अकेडमिक से बाहर फ्रेंडशिप में होती है। अब देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए कॉलेजेस में जाओगे, नए फ्रेंड्स बनाओगे, उसी टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लेंगे जिनकी हैबिट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है, आगे आप समझदार हो ही। सो मेक श्योर ऐसे फ्रेंड्स बनाने से अच्छा जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, बैड हैबिट्स में डले हुए हैं, इससे अच्छा आप अकेले रहो। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, डैट इज इग्नोरिंग रिविजन। आपको रिविजन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे क्या, उन्होंने चैप्टर 1 कम्प्लीट किया, डायरेक्टली चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से वो पूरा पढ़ लेंगे और फिर जब वो चैप्टर 1 पे जाएंगे उनको कुछ याद ही नहीं रहेगा। मेरे साथ हुआ था। सो मेक श्योर आप जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आप पुराने चैप्टर्स को भी रिवाइज कर रहे हो, उसी वजह से आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे एंड साथ के साथ आपको हर एक चीज़ याद रहेगी। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करो और कमेंट करो, येस आई एम रेडी टू क्रैक क्लास 11th स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और अपने क्लास 11th को लेके सीरियस है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, डैट इज नोट्स बनाने चाहिए क्या। इसका एक सिंपल सा आंसर है, येस
बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं अच्छे से याद रखने में आपने जो भी पढ़ा है। साथ में आपका टाइम सेव होता है नोट्स बनाते हुए। अब देखो, नोट्स बनाते हुए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आपका जो भी टेक्स्ट बुक में है उसको डायरेक्टली कॉपी मत करो। ऑलवेज ट्राई टू मेक योर नोट्स यूनिक फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक जैसे ही लिख रहे हो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप चार्ट्स में बनाओ, वेब डायग्राम्स में बनाओ, उसके वजह से आपको ज़्यादा अच्छे से चैप्टर्स याद रहेंगे। अब देखो, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं एज अ बड़ा भाई आप सभी को गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से क्लास 11th को स्टार्ट करना है और ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि आप सभी को अवॉइड करने हैं। आई होप आप सबको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड यस गाइस, अगर आपको क्लास 11th के लिए और भी ऐसे वीडियोस चाहिए आप ये वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और हाँ,